वेलकम फ्रेंड, मैं फिर से आ गया आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर। आज मैं आपको दिखाऊंगा आप कैसे एक सिंगल TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल से 12 वोल्ट, 8 वोल्ट या 16 वोल्ट बैटरी को चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे कोई बैटरी का लिमिट नहीं है, आप सिर्फ टेक्निक को फॉलो कीजिए मैं कैसे कर रहा हूँ। मैं पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें एक रिले इस्तेमाल किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए, उस वीडियो को देखने के बाद इसको देखिए, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले दिखाया था रिले इस्तेमाल करके, लेकिन आज मैं दिखाऊंगा स्विच इस्तेमाल करके, क्योंकि बहुत सारा फ्रेंड ने कमेंट किया था उसको समझ में नहीं आ रहा है कैसे स्विच से कनेक्शन किया जाता है। देखिए यहाँ पे चाहिए इस तरीके का एक स्विच, इसका नाम है DPDT स्विच। ऐसा सेम स्विच लो क्वालिटी का भी मिलता है, लेकिन आप यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल कीजिए। यह है एक TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल। यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे आप जितना सारा बैटरी इस्तेमाल करोगे सारी बैटरी का कैपेसिटी सेम होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास जो बैटरी है, सारा बैटरी का कैपेसिटी है 1800 mAh, लेकिन मेरे पास और एक बैटरी है जिसका कैपेसिटी आप देख सकते हो 1350 mAh, लेकिन अभी इसको यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हो क्योंकि इस बैटरी का कैपेसिटी सेम नहीं है, कम है। एंड बैटरी का कैपेसिटी सेम नहीं होगा तो सही से डिस्चार्ज भी नहीं होगा, चार्ज भी नहीं होगा। एंड यहाँ पे जब बैटरी का आप कनेक्शन करोगे सारी बैटरी का वोल्टेज सेम होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो सारी बैटरी का वोल्टेज लगभग 3.09 वोल्ट के आसपास है। आप चाहो तो बैटरी का फुल चार्ज करके भी कनेक्शन कर सकते हो, कंडीशन है बैटरी का वोल्टेज सेम होना चाहिए। मेरे पास और एक बैटरी है, देख सकते हो इसका वोल्टेज है 3.54 वोल्ट। इस बैटरी को अभी मैं कनेक्शन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इसका वोल्टेज सेम नहीं है। अगर मैं इस बैटरी को कनेक्शन करूँगा तो ये बैटरी बाकी बैटरी को चार्ज करेगा, तो ये अच्छा नहीं है। तो इसलिए जब कनेक्शन करोगे सारी बैटरी का वोल्टेज का बैलेंस कर लीजिए। तो चलिए आप कनेक्शन कर लेते हैं। इस स्विच का आप अच्छे से देख लीजिए, ये दोनों पॉइंट है दोनों चैनल का कॉमन पॉइंट, एंड ये दोनों पॉइंट ऑन ऑफ होता है। मैं यहाँ पे ऑलरेडी स्विच के साथ वायर कनेक्शन कर लिया हूँ, तो आप देख सकते हो आप लोगों को आसानी के लिए मैं यहाँ पे सभी पिन का नंबरिंग कर लिया हूँ। ए पिन 1, 2, 3 एंड यहाँ पे 4, 5, 6। मैं वायर का कैसे होल्डर किया हूँ आप अच्छे से देख लीजिए, आप ऐसा सेम टू सेम कीजिए। मैं यहाँ पे बैटरी होल्डर ले लेता हूँ। यहाँ पे जो स्विच का पिन 1 है उसका कनेक्शन करना होगा पहली बैटरी के पॉजिटिव के साथ, पिन 2 का करना होगा दूसरी बैटरी के नेगेटिव के साथ। पिन 3 का करना होगा पहली बैटरी के नेगेटिव के साथ। यहाँ पे जो लास्ट वायर है फोर्थ वायर, उसको करना होगा दूसरी बैटरी के पॉजिटिव के साथ। तो देखिए दोनों बैटरी कनेक्ट हो चुका है। अभी जो स्विच का कंडीशन है, इस कंडीशन में अगर स्विच रहेगा तो ये बैटरी सीरीज में कनेक्टेड रहेगा, एंड इस दोनों पॉइंट पे दोनों बैटरी का टोटल वोल्टेज आउटपुट मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों बैटरी का वोल्टेज लगभग 6 वोल्ट है। तो अभी मैं तीसरी बैटरी का कनेक्शन नहीं करूँगा, इस दोनों बैटरी को आप TP4056 मॉड्यूल चार्ज करके दिखाऊंगा। पहले वीडियो में मैंने सिंगल मॉड्यूल को इस्तेमाल करके दिखाया था, उसका आउटपुट करंट था 1 एम्पियर, लेकिन आज इस्तेमाल करूँगा 2 TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल। अगर इस दोनों मॉड्यूल को एक साथ पैरेलल में कनेक्शन करूंगा तो आउटपुट करंट डबल हो जाएगा, मतलब 2 मॉड्यूल 2 एम्पियर, मतलब और भी ज़्यादा तेज़ी से आप बैटरी को चार्ज कर सकते हो। तो दोनों मॉड्यूल को कैसे पैरेलल में कनेक्शन कर सकते हो उसको भी देख लीजिए। तो देखिए हो गया दोनों मॉड्यूल पैरेलल में कनेक्शन। इस तरीके से आप सिंपली एक मॉड्यूल के ऊपर एक मॉड्यूल को सेट कर लीजिए, दोनों मॉड्यूल पैरेलल में कनेक्शन हो जाएगा। अब मॉड्यूल का बैटरी प्लस एंड बैटरी माइनस पे दो वायर से यहाँ पर जो पहला बैटरी है इस बैटरी का प्लस एंड माइनस पे कनेक्शन कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये 2.4 एम्पियर का चार्जर है, इससे बैटरी को चार्ज करूँगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे है 6 वोल्ट के आसपास,
मतलब बैटरी अभी सीरीज में कनेक्टेड है। बैटरी को चार्ज करने से पहले इस स्विच को स्लाइड करना होगा, तब यहाँ पे जो सिंगल बैटरी का वोल्टेज होगा यहाँ पे से होगा, देख सकते हो 3 वोल्ट के आसपास। इस कंडीशन में अगर चार्जर को ऑन करूँगा तो बैटरी चार्ज होगा। अभी मैं चार्जर को ऑन करता हूँ, तो देखिए ऑन करने के बाद यहाँ पे मॉड्यूल पे लाइन आ चुका है, यहाँ पे रेड LED ग्लो हो रहा है, मतलब चार्ज हो रहा है। तो अब मैं क्लंप मीटर से चार्जिंग करंट को दिखाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे 1.8 एम्पीयर के आसपास करंट से बैटरी को चार्ज कर रहा है, मतलब दोनों बैटरी चार्ज हो रहा है 1.8 एम्पीयर पे। तो उसके हिसाब से एक बैटरी में चार्जिंग करंट होना चाहिए 900 मिली एम्पीयर के आसपास। तो उसको भी देख लेते हैं एक बैटरी में कितना करंट जा रहा है, एंड इस वायर से बैटरी चार्ज हो रहा है, तो इससे देख लेता हूँ कितना करंट पे चार्ज हो रहा है। तो अब देख सकते हो 900 मिली एम्पीयर के आसपास करंट से दोनों बैटरी को इक्वली चार्ज कर रहा है, मतलब 1.8 एम्पीयर दोनों बैटरी में डिवाइड हो रहा है। तो चलिए फाइनली अब जो तीसरी बैटरी है इसको भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो उसे सेम तरीके से कनेक्शन करना होगा, पिन 1 का कनेक्शन करना होगा, दूसरी बैटरी की पॉजिटिव के साथ स्विच पिन 2 का कनेक्शन करना होगा, तीसरी बैटरी की नेगेटिव के साथ। यहाँ पे स्विच पिन 3 का कनेक्शन करना होगा दूसरी बैटरी के नेगेटिव के साथ, लेकिन आप चाहो तो जो पहला बैटरी है उसका नेगेटिव के साथ भी कर सकते हो कनेक्शन, दोनों ही सेम होगा। यहाँ पे जो फाइनली फोर्थ वायर है येलो कलर का, इसको करना होगा तीसरी बैटरी की पॉजिटिव के साथ। तो हमारा कनेक्शन हो चुका है कम्प्लीट। अब आउटपुट लेने के लिए यहाँ पे कनेक्शन करना होगा तीसरी बैटरी के पॉजिटिव के साथ एंड पहली बैटरी के नेगेटिव के साथ। यहाँ पे जो 2 वायर है इससे आउटपुट निकलेगा, जो आउटपुट वोल्टेज होगा 12 वोल्ट होगा। क्योंकि अभी तीनों बैटरी फुल्ली डिस्चार्ज है इसलिए यहाँ पे वोल्टेज 9 वोल्ट के आसपास दिखा रहा है। तो चलिए अब तीनों बैटरी को एक साथ चार्ज करके देखते हैं चार्ज होता है कि नहीं। तो चार्ज कराने से पहले सेम कंडीशन, यहाँ पे जो स्विच है दोनों स्विच को तो एक साइड से दूसरे साइड में स्लाइड करना होगा। तो तीनों बैटरी अब पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसलिए आप देख सकते हो तो यहाँ पे आउटपुट में भी वोल्टेज ड्रॉप हो गया है। तो चलिए अब चार्जर को ऑन करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पावर आ चुका है, मतलब चार्ज हो रहा है। तो आप देख सकते हो सेम 1.8 एम्पीयर पे बैटरी को चार्ज कर रहा है तीनों बैटरी को। तो अभी 1800 मिली एम्पीयर करंट तीनों बैटरी में इक्वली डिवाइड होगा, मतलब हर एक बैटरी में 600 मिली एम्पीयर करंट पे चार्ज होगा। तो चलिए तीसरे बैटरी को देख लेते हैं कितना करंट पे चार्ज हो रहा है। तो इस वायर से तीसरा बैटरी चार्ज हो रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जैक्टली 600 मिली एम्पीयर पे चार्ज हो रहा है, मतलब एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, तीनों बैटरी में इक्वली करंट से चार्ज हो रहा है। तो चार्ज कंप्लीट होने के बाद इस तरीके से आप दोनों स्विच को जो पहले कंडीशन में था उस कंडीशन में कर दीजिए, तो आउटपुट में 12 वोल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो फाइनली आया है, अगर इस दोनों स्विच को स्लाइड करके ऑन करोगे तो तीनों बैटरी पैरेलल में कनेक्ट होगा, उस कंडीशन में आप बैटरी को चार्ज कर सकते हो। चार्ज फुल होने के बाद स्विच को फिर से जिस कंडीशन में था उस कंडीशन में रख दीजिए, तो फिर से तीनों बैटरी सीरीज में कनेक्टेड हो जाएगा एंड आउटपुट पे 12 वोल्ट मिल जाएगा। यहाँ पे स्विच अगर लो क्वालिटी का होगा तो तीनों बैटरी इक्वल करंट पे चार्ज नहीं होगा, तब बैटरी आपका खराब हो सकता है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आप अच्छे स्विच को इस्तेमाल कीजिए। तो इस तरीके से आप कनेक्शन कर सकते हो, तो आप कनेक्शन को बहुत ध्यान से कीजिए क्योंकि ये जो बैटरी है बहुत खतरनाक है। तो यही था आज का वीडियो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, एक अच्छे से कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।